बच्चे हमारे देश का भविष्य है। उनकी पढ़ाई लिखाई, स्कूलों की व्यवस्था इस तरह होनी चाहिए कि उनकी नींव मजबूत बने और वो हमारे देश का उज्जवल भविष्य बने। ये सब बातें शायद नेता, प्रशासनिक अधिकारी किसी भी कार्यक्रम में बोलते नहीं थकते। आज हम आपको जिला डोडा के एक ऐसे स्कूल में ले चलते हैं जिसकी इमारत देख आपकी रूह कांप जाएगी। इसका जायजा लेने द अर्थ न्यूज के संवाददाता इरफान मलिक खुद मौके पर पहुंचे। टाटा वानीपुरा में विभिन्न प्राथमिक स्कूलों की हालत बहुत ही खराब है। मार्च में स्कूल खुलने के बाद से छात्रों की कई एक्टिविटीज हुई, लेकिन दूसरी ओर जर्जर इमारतों को देखकर बच्चों और उनके पेरेंट्स में भी भय का माहौल है। कई इमारतें जर्जर हो चुकी हैं। स्कूलों में ये नन्हे मुन्ने ठीक से बैठ नहीं पाते क्योंकि बैठने की व्यवस्था नहीं है। कई स्कूलों की हालत ऐसी है जिसमें बच्चों को भेजना खतरे से खाली नहीं, पर अफसोस ये स्कूल पहाड़ी इलाकों में है, जिसकी वजह से डोडा शिक्षा विभाग और डोडा प्रशासन द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्कूल में बच्चों के पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, टॉयलेट्स नहीं, प्रधानमंत्री के स्वच्छता मिशन की धज्जियां उड़ रही है। कई स्कूलों की इमारतें बनाने के लिए सैंक्शन की गई है, पर जमीनी स्तर पर कोई स्कूल बिल्डिंग मौजूद नहीं। ये इमारतें फाइलों में ही बनकर दब कर रह गई हैं। वहीं इलाके के लोगों ने जिला प्रशासन से अपील करते हुए मांग की कि कोविड 19 महामारी के लॉकडाउन के दौरान क्षतिग्रस्त हुई स्कूल बिल्डिंग्स को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उम्मीद करते हैं जिला डोडा के DC डॉक्टर सागर डी डाइफोर्ड से, जो अपने प्रशासनिक दायित्व को निभाते हुए इन स्कूलों की इमारतों का स्वयं संज्ञान लेंगे और जल्द व उतरेंगे। आप खुद ही देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले यहाँ आप हमारे स्कूल की हालत आपने खुद देखी है, कितना डैमेज हुआ हो चुका है हमारा स्कूल। क्योंकि यहाँ पर तो जब हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने आते हैं, क्योंकि इनको तो सबसे पहले ये दिक्कत होती है, क्योंकि स्कूल जो है काफ़ी डैमेज हुआ है। क्योंकि जब वो उस्ताद यहाँ उनकी क्लासें लेते हैं, एक ही कमरे में वो 5 क्लासें लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो बच्चों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर हमारा स्कूल ठीक होता, साफ होता, तो हमें उस्तादों को ये दिक्कत नहीं होती कि एक ही कमरे में 5 क्लासें लेनी पड़ती। इसलिए हम गुजारिश करते हैं DC साहब से और CEO साहब से भी गुजारिश करते हैं कि वो किसी टीम को यहाँ पर भेजें, क्योंकि यहाँ पर हमारी स्कूल के हालात देखें, क्योंकि कितनी परेशानी यहाँ हमारे बच्चों को उठानी पड़ती है। स्कूल तो ये प्राइमरी स्कूल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर तो ना बाथरूम है ना किचन शेड है हमारे पास। यहाँ पानी की भी वहाँ बच्चों को बहुत काफ़ी परेशानी है, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने पानी पीना होगा तो यहाँ से काफ़ी कम से कम 1 किलोमीटर दूर उनको यहाँ से जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। यानी कि उनका उनको वक्त ज़ाया होता है उस तरह से बच्चों का, क्योंकि जब यहाँ पर पानी भी नहीं है, किचन शेड भी नहीं है, खाना आप यहाँ खुद देख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हम एक खेत में यहाँ पर हमारा ये जो कुक साहब जो है यहाँ पर खाना बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किचन शेड की भी कमी है, स्कूल की भी कमी है। अगर बारिश जब यहाँ आती है तो जो बारिश अभी तो आसमान पे ही होते हैं, लेकिन नीचे कमरे भर जाते हैं पानी से, फिर बच्चों को या तो घर जाना पड़ता है या तो उस्तादों को उनको किसी दूसरे घर में शिफ्ट करना पड़ता है, वहाँ पर उनको पढ़ाना पड़ता है। इसलिए क्योंकि हमने कहीं सुना है कि यहाँ पर एक बिल्डिंग जो है यहाँ पर सैंक्शन हुई थी, कम से कम 2-4 साल उसको बिल्डिंग को हो गए, लेकिन बिल्डिंग अभी तक नहीं बनी। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं DC साहब से, CEO साहब से और ZDO भेटिया साहब से कि अगर यहाँ पर बिल्डिंग सैंक्शन हुई है, ये हमें मालूम नहीं है, ये एजुकेशन थ्रू है या R&B थ्रू है, ये हमें कोई मालूम नहीं है। इस बारे में हम DC साहब से गुजारिश करते हैं कि थोड़ी इस बात की थोड़ी वो जांच लें, क्योंकि अगर वहाँ बिल्डिंग सैंक्शन हुई है, 2 या 4 साल हो गए, तो यहाँ पर वो बिल्डिंग का काम क्यों नहीं शुरू किया जा रहा है। अगर यहाँ पर आपने खुद देखा है यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से स्कूल की हालत हुई है, यानी कि पूरी चारों तरफ से स्कूल की दराजें पड़ी हुई है, आपने खुद देखा होगा, तो इस तरह से हमारे बच्चों को काफ़ी यहाँ खतरा लगता है। क्योंकि अगर कभी कभार अल्लाह माफ़ करे कहीं कोई नुकसान हो गया, तो इसका जिम्मेवार मेरे ख्याल में तो फिर सरकार को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ये स्कूल की जिम्मेवारी ले सकती है। हम इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं।
स्कूल तो यहाँ पर ये 2009 में बना है प्राइमरी स्कूल, लेकिन 2009 से लेके आज 2021 हुआ है। शायद मेरे ख्याल में मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, मेरे बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि 2009 में जब ये स्कूल बना था मेरे ख्याल में 2011 तक यहाँ पर उस्तादों ने अलग अलग कमरों में क्लासें ली थी, लेकिन 2011 के बाद आज 2021 तक उस्तादों को जब यहाँ पर एक भूचाल आया था, उस भूचाल की वजह से स्कूल जो पूरा हमारा डैमेज हुआ था, उसके बाद यहाँ पर उस्तादों को फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक यहाँ पर एक ही रूम में क्लासें लेनी पड़ती है, क्योंकि एक ही रूम में जब 5 क्लासें ली जाती है तो बच्चों को वहाँ काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि 5 क्लासें एक ही रूम में लेना जब होता है तो वहाँ पर उस्तादों को भी दिक्कत होती है, बच्चों को भी दिक्कत होती है। तो इसलिए अगर यहाँ पर ये बिल्डिंग सेंक्शन हुई थी तो ये काम क्यों नहीं लगाया जा रहा है। इसलिए हम डीसी साहब से, यहाँ की आवाम पूरी जो है हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बात पे थोड़ा वो एक्शन लें, क्योंकि ये बिल्डिंग का काम जो रुका है ये क्यों रुका है। तो यही हमारी अर्ज है, क्योंकि बाकी तो स्कूल की हालत आपने खुद देखी है, स्कूल कितना डैमेज है। बच्चों को तो यहाँ पर 100% पूरा खतरा है, क्योंकि अगर बारिश जब आती है यहाँ पे तो अभी बारिश जो है अभी आसमान पे ही होती है, लेकिन नीचे पानी से वो कमरे भर जाते हैं, तो फिर बच्चों को या तो घर जाना पड़ता है या तो फिर उस्तादों को बच्चों को यानी कि शिफ्ट करके किसी दूसरे मकान में पढ़ाना पड़ता है। बारे में तो आपको यही पता। न्यूज़ के लिए इरफान मलिक रिपोर्ट।